आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ 9 इंच दीवार में, कई बार तो होता है कि उसमें 9 इंच दीवार में 9 इंच का दाढ़ा किस तरीके से बनाएंगे। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा जो 9 इंच दीवार में पौने से दाढ़ा किस तरीके से बनाएं। कई बार तो होता है कि डेली का भी दाढ़ा बनाया जाता है, तो यहाँ मैं दिखाना चाहूंगा। जैसे कि देख सकते हैं, मतलब कि जैसे आप डीपीसी के ऊपर पहली बार रादा लगा रहे हैं, तो ये वाला अगर पौने का चाल बनाना है तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं 2 पौन ईंट यहाँ लगा हुआ है और उसके आगे ये 2 सबूत ईंट निकला हुआ है। और बाकी जैसे कि दिखाना चाहूंगा यहाँ पे, जैसे कि ये शेरू रादा है, ये बिल्कुल इसी तरीके से पूरा यहाँ से लेकर और वहां तक आखिर तक लगा हुआ है। तो ये मतलब डीपीसी के ऊपर इस तरीके से बांधना है। और इसके ऊपर हम फिर किस तरीके से बांधते हैं वो भी मैं बहुत बढ़िया तरीका से बताने वाला हूँ। मैं दिखाना चाहूंगा जैसे कि ऊपर में जो सबूत 2 ईंट लगा हुआ है, इसके नीचे 1 ईंट लगा हुआ है, तो फिर इसके ऊपर हम किस तरीके से बांधते हैं। तो जितना नीचे हम मसाला दिए हुए उतना ही इस रादे में भी मसाले को बिछा लेंगे। और जब भी ठेहा बना ज्यादा दूरी तो कभी मसाला नहीं बिछाना है, और मसाला जो भी बिछाना है बिल्कुल बराबर बिछाना है। जैसे कि देख सकते हैं मैं किस तरीके से बिछाया हूँ। और उसके बाद में क्या करना है, जैसे जो कोर धार वाला ईंट हो, ये नुकर ना टूटा हो, वो वाला ईंट को इस नुकर पे रखेंगे, मतलब 1 पौन ईंट को यहाँ पे, और इधर मिला देंगे और इधर वाले मिला के रखना है बिल्कुल अच्छी तरीके से। और उसी साइज का एक और 1 पौन ईंट हम काट लेंगे और 1 ईंट और आगे हम यहाँ रख देंगे और 1 ईंट और आगे हम यहाँ रख देंगे और इसके आगे दाढ़े निकालने के लिए 1 ईंट और हम यहाँ पर रख देंगे। और साहुल यहाँ पर इधर और इधर, 2 जगह साहुल करना है और 1 जगह यहाँ पे, तो 1 ईंट से साहुल करना है, ईंट कभी बदलना नहीं है। तो मैं ये वाला ईंट से साहुल कर रहा हूँ, तो इसी ईंट से हम साहुल करेंगे पूरा ऊपर तक, मतलब जितना ऊपर तक हमारा चुनाई होते जाएगा हम उसी ईंट से साहुल करेंगे, ईंट कभी बदलना नहीं है। ना दोस्तों जी, कभी ऊपर कर ले तो कभी नीचे कर ले तो थोड़ा थोड़ा में फर्क पड़ने लगता है, तो ऐसे गलती नहीं करना है। और उसके बाद में इधर भी साहुल कर लेना है और यहाँ इस नुकर में भी साहुल कर लेना है। और उसके बाद क्या करना है, ये साहुल की डोरी हो या सूत हो उससे यहाँ पे मिला लेंगे। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ से मिलाए हैं और ये भी साहुल में, तो बीच में ईट नहीं था सही, तो इसको हम बिल्कुल अच्छी तरीके से साहुल में कर लिए हैं, सूत में कर लिए हैं। और उसके बाद में यहाँ पे जैसे हम यहाँ से साहुल किए हैं, तो आगे वाला जो ईट है इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से सूत में बिल्कुल सटा लेना है। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं यहाँ सूत सटा हुआ है, तो आगे वाले ईट को भी बिल्कुल अच्छी तरीके से सटा लेंगे। और दोस्तों ये गैप आप लोगों को भर लेना है, मैं नहीं भर रहा हूँ, जो आप लोगों को अच्छी तरीके से दिखे। और उसके बाद में जब इसके ऊपर हम सूत खींच के बांधेंगे, तो जितना हमारा ये सूत है उतना इस नुकर में हम यही से गैप दे दिए हैं यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हैं। और उसके बाद में मसाला हम फटाफट आगे अब बिछाते जाएंगे और चुनाई लगाते जाएंगे। तो यहाँ मैं दिखाना चाहूंगा, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे जो भी हम ईंट लगाए हैं, तो नीचे में जैसे कि ये वाला ईंट जैसे हम ऊपर लगाए हैं, तो नीचे में भी ईंट लगा हुआ है, तो कितना बढ़िया तरीके से इसका ये जोड़ कट रहा है, क्योंकि जो भी हम यहाँ 1 ईंट लगाए हुए हैं बिल्कुल बराबर लगा हुआ है। यह ना दोस्तों, जो कभी 1 ईंट छोटा कर दे और कभी बड़ा कर दे तभी हमारे जोड़ में फर्क पड़ने लगता है, तो ऐसे गलती नहीं करना है। और ये पीछे वाले जब भी ईंट रखेंगे बिल्कुल इसके सीधाई में रखना है, नहीं तो आगे से तो जोड़ बढ़िया कट जाएगा और पीछे से, अगर मान लीजिए कि थोड़ा थोड़ा हम आगे करके लगाएंगे तो पीछे से जोड़ बढ़िया नहीं कटेगा। और दीवार पे जैसे कि मसाला इस तरीके से बिछा के और बिल्कुल बराबर यहाँ पे फैला लेना। और उसके बाद में करनी एक बार हम यहाँ फेर देंगे, और जैसे हम इधर करनी फेरे वैसे ही इधर भी करनी फेर देंगे। और उसके बाद में फटाफट हम तेजी में चुनाई लगाते जाएंगे, मतलब ये जो सूत है सूत से ईंट कोई भी ऊपर नहीं उठना चाहिए, बिल्कुल ये जो ईंट का नुकर है ये सूत में मिलना चाहिए। और जितना मतलब कि हम यहाँ गैप दिए हैं सूत, इतना हर एक ईंट में जैसे कि ये नुकर में देख सकते हैं उतना ही गैप है। और फटाफट तेजी में अब चुनाई को हम लगाते और आगे बढ़ते जाएंगे, और जब आखिर तक दोस्तों आप लोगों का चुनाई लग जाए
उसके बाद में क्या करना है, ये जो दर्द है इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से खांच खांच के और भर देना है। जैसे इधर भरना है तो इधर हाथ लगा देना है और इधर भरना है तो इधर हाथ लगा देना है, तो दर्द होगा वो बिल्कुल अच्छी तरीके से भरेगा। और इसके ऊपर हम फिर किस तरीके से बांधते हैं, तो पौन ईट जो था हमारा इस रूप से लगा हुआ था और फिर दो पौन ईट हम बिल्कुल अच्छी तरीके से काट लेंगे और बिल्कुल बराबर रखना है और इस नुकर में हम रख देंगे एक और दूसरा जो पौन ईट होगा हम यहाँ पे रख देंगे। तो मैं जोर दिखाना चाहूंगा कितना बढ़िया तरीके से इसका जोर जो है वो कट गया है। और एक ईट हम यहाँ आगे रख देंगे और उसके बाद में यहाँ पे इधर के दाढ़े के लिए ये हम निकाल दिए हैं क्या यहाँ पे, जैसे ये जो पांच मतलब की ईट लगा हुआ है यहाँ पे, ये पांचों ईट जो है बिल्कुल बराबर रखना है। ये ना दोस्तों जो इसका मुंह ऊपर उठ जाए तो आगे का जब चुनाई लगाएंगे तो मतलब कि वो दाढ़ा जो होगा वो सही नहीं दिखेगा। और जिस ईट से हम पहले साहुल किए थे उसी ईट से हम साहुल फिर कर लेंगे इस नुकर में और इस नुकर में, ईट कभी बदलना नहीं है। और उसके बाद साहुल की डोरी से फिर यहाँ पर हम मिला के इसको सीधा कर लेंगे और उसके बाद में हमारा ठेया उधर भी एक उधर भी साइड में बन चुका है। तो जहां से हम साहुल किए हैं वहीं से सूत को मिला के अब आगे वाला जो है इसको हम सीधा कर लेंगे। हम ठेया बांध के और आगे चुनाई लगाते जाएंगे। तो दोस्तों ऐसा करता हूँ जी आप लोगों को वीडियो बहुत बढ़िया लगा होगा, तो ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।